वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्वावायुवावाय सर्वभावान्तरार्थे। व्यर्थ पराई आशा करना, तत्प्रमाद और आस पराई कर सम्यक पुरुषार्थ। इसमें कल चर्चा की थी अपन ने, प्रमाद को छोड़ो, प्रमाद का अर्थ किया था अपन। प्रमाद का मीनिंग होता है आलस्य, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य। अब शब्द तो शब्द ही है आलस्य, शब्द तो शब्द ही है आलस। शरीर में ऐसा लगता है हम काम नहीं कर रहे तो आलसी, लेकिन आलस्य आलस्य केवल शरीर के अर्थ में नहीं, वो तो आप समझ ही गए होंगे, आत्मा के अर्थ में कहना है यहाँ पे। तो कुछ प्रयोग करके देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तज प्रमाद अर्थात ज्ञान आलसी है, ज्ञान आलसी है। क्या है ज्ञान का काम? क्या है? त्वरित निर्णय करना। ज्ञान का काम है त्वरित निर्णय करना, जल्दी निर्णय करना। अब जल्दी निर्णय नहीं कर रहा, आलसी है। आलसी का आदमी कैसे होता है? कहे भैया पानी लेने के लिए, अब उठ रहे उठने की तलाश में, धीरे धीरे उठे फिर गए, सोच रहे एक गिलास पानी लाने में आलसी है। एक गिलास पानी देने के लिए आलसी हो गया, वो वहां तक जा ही नहीं पाया, जाया तो धीरे से लाया। ऐसे ज्ञान आलसी है, सुनता तो है लेकिन विचारता नहीं है, विचारता तो है लेकिन निर्णय नहीं करता। निर्णय भी कर लेता है तो स्वानुभव नहीं करता है, ये आलस है। आलस समझ गए? पढ़ने की आलसी, पढ़ते ही नहीं है भाई। आत्मा का निर्णय करना है तो आत्मा के ग्रंथ पढ़ो, ध्यान रखना। आप जी कौन सी आलसी बता रहे हैं? हम एक लाख आदमी भी स्वाध्याय कर रहा होगा तो जिससे आत्मा का निर्णय होता है वो विषय पे दिमाग ही नहीं जाता। ये तो कितने लोग होंगे, करणानियों पढ़ने में लग जाएंगे, प्रथमानियों पढ़ने में लग जाएंगे, चरणानियों पढ़ने में लग जाएंगे, द्रव्यानियों भी पढ़ेंगे तो गुण भेद में लग जाएंगे, गुणस्थान भेद में लग जाएंगे, बहुत भेद भेद पर भेद। अब आलस का अर्थ लो अपन, आलस जो भेद से अभेद में आने में देर करता है वो आलसी है। क्या कहा? भेद समझ गए? जो गुणस्थान भेद में उलझ गए, इंद्रिय भेद में ही उलझ गए, वचन भेद में ही उलझ गए, नए नए नए
नयों की कथन में ही उलझ गए। ये आलसी है, हमें नहीं मालूम काम तो नहीं हुआ ना। हरी साहब क्या बात कर रही, हम रात को 2 बजे उठ के पढ़ने बैठ गए थे। तो ध्यान रखना, तू रात को 2 बजे उठ करके पढ़ने में तो आलसी नहीं है, लेकिन स्वानुभव का आलसी है। हो सकता है तुम रात को 2 बजे उठ के पढ़ रहे हो, दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं है। तो तुम क्रिया में आलसी नहीं हो, लेकिन स्वानुभव में आलसी। अंतर समझ में कितना अंतर बढ़ गया। लोग झट कहते हैं हम बिल्कुल आलसी नहीं है, झट मिथ्या आदमी देह संबंधी आलस को आलस मानता है, मिथ्या दृष्टि है। अरे हम बिल्कुल कोई नहीं पहुंच संबंध, 6 बजे प्रक्षाल पूजा में पहुंच जाती है नियमित, ठंड के दिन में भी और बरसात के दिन में 6 बजे एकदम प्रसाद पहुंच जाते हैं, 5 बजे 6 बजे। तो तुम क्रिया में आलसी नहीं हो, बहुत बढ़िया, लेकिन तत्व निर्णय में तो आलसी आयस लगाती है ना। आलस समझ गए, आलस कौन सा है, ज्ञान आलसी है। फिर कह रहे हैं काम तो नहीं हुआ ना, मैंने स्वानुभव तो नहीं हुआ ना। तीर्थ यात्रा में आलसी नहीं है, दान देने में आलसी नहीं, हो सकता बहुत लगा लेना बहुत, लेकिन शास्त्र पढ़ता है तो पढ़ता रह जाता है। गुणस्थान की चर्चा मतलब वो भेद की चर्चा आई तो भेद में लग जाता है। ग्रंथ पूरा करने में आलसी ना हो, ग्रंथ पूरा कर देता है, लेकिन अभेद का निर्णय नहीं करता, अभेद का अनुभव नहीं करता, ये आलसी है। कितने आलसी होंगे अब सोचो, जितने स्वानुभव भी नहीं हुए वे सब आलसी हुए। 1 घंटा प्रवचन सुन लेंगे तो प्रवचन में तो ये आए थे निर्णय कर। टोटोमोजी साहब ने लिखा है स्वाध्याय करने का प्रयोजन तो तत्व निर्णय करना है, प्रवचन करने का सुनने का तत्व, स्वाध्याय करने का प्रवचन सुनने का, इसका एकमात्र उद्देश्य तो तत्व निर्णय था। कई बार क्या उनको रोज देखो आराम से प्रवचन के टाइम तैयार हो जाएंगे, आ जाएंगे और 1 घंटा सुन के चले जाएंगे, इस बात की खुशी होती चलो एक काम निपट गया। हमारा नियम था ना रोज के प्रवचन सुन में एक काम निपट गया। काम निपटाने में तू आलसी नहीं है, लेकिन स्वानुभव तो नहीं हुआ। फिर समझो इसी तरह से पंडित साहब भी कहते थे, स्वामी जी भी कहते थे, एक गाय भाव ने सदा ऊर्ध राख जे। तू पूजा तो करता है लेकिन पूजा के अभिधेय तो स्वानुभव था। बता अब हम पूछे कितने लोगों ने पूजा में स्वानुभव किया, पूजा का उद्देश्य पूजा करना नहीं था, पूजा का उद्देश्य द्रव चढ़ाना नहीं था, थाली बदलना नहीं था, पूजा का मूल उद्देश्य तो स्वानुभव था। श्रीमद जी ने क्या लिखा, काम एक आत्मार्थ, काम एक आत्मार्थ नो बीजू नहीं मन रोग, दूसरा हमें कोई रोग ही नहीं, दूसरा काम ही नहीं। हम पूजा करने के लिए नहीं जन्मी, पढ़ने के लिए नहीं जन्मी, अब लगा ले ऐसे सब जगह, हम सुनने सुनाने को नहीं जन्मे, तीर्थ यात्रा को नहीं जन्मे, दान देने को नहीं जन्मे, मंदिर बनाने को नहीं जन्मे, एक काम तो रह गया, वही काम के लिए आए थे। एक ही दृष्टांत दे समझ लो जल्दी से, कोई व्यक्ति यहाँ से बम्बई गया काय के लिए, इलाज कराने, और एक ही काम नहीं करो बाकी सब कर लो, टिकट बुकिंग हो गई अच्छे से, वहाँ हॉस्पिटल धर्मशाला पहुँच गए, धर्मशाला में रह गए अच्छे, सब खाए पिए भोजन बनाओ शुद्ध सात्विक, बिल्कुल ऐसे वैसे भोजन नहीं बनाए, खूब अच्छा शुद्ध सात्विक, रात ही भोजन नहीं किया, वो सब कुछ करा, सब कुछ करा, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखा गया, निर्णय नहीं हुआ कि कौन सी बीमारी है, इलाज का पता नहीं लगा, बाकी सब कुछ चौकस करो, अन्याय को टिकट नहीं लो, न्याय को टिकट लो, न्याय से देख लो। क्या लिखा है इन्होंने अपूर्व अवसर में, आत्मा के लक्ष्य से स्वरूप लक्ष्य, पहली शब्द है स्वरूप लक्ष्य, स्वरूप लक्ष्य जिन्ना ज्ञाधीन, जो जिन्ना ज्ञा के अधीन स्वरूप का लक्ष्य हमारा, मतलब हम क्रिया निपटा के खुश हो रहे हैं, बिल्कुल देख लो सब अपने अपने को, पूजा होगी स्वाध्याय होगी सुखा रहे हैं, और ज्यादा हुआ तो अब हमारे परिणाम खराब नहीं हो रहे, क्रिया नहीं खराब हो रही, अब तो बहुत अच्छा लग रहा, बढ़िया रहा। आचार्य देव ने कहा है तू मिथ्या संतोष में जी रहा है, मिथ्या संतोष है तुझे,
पंडित साहब कहते तुझे बिना स्वानुभव के चैन कैसे पड़ जाती? स्वानुभूति बिन परिणति सोनी। स्वानुभूति के चैन कैसे पड़े भैया? एक घंटा प्रवचन हो गया, लेकिन अभी तो दिखाई नहीं है, अभी तो दिखाई तड़फ है वो, अभी तड़फ खत्म हो जाती है, समझ गए? सुन लेती है, चार घंटा पढ़ लो, पांच घंटा पैसे कर लो सब, और ये साहब शास्त्री की डिग्री मिल गई, खुश। तो इस काम में तो रह गया, फिर से समझ गए अब तो? वहां तो स्वस्थ होना ही मूल प्रयोजन था, तेरा जाना आना प्रयोजन नहीं था, रेलगाड़ी प्रयोजन नहीं थी, तुम काय में गए, एसी में गए कि सिंपल डब्बा में गए, पैसेंजर में गए कि वंदे भारत में गए, कहाँ लेने देने हमें, स्वस्थ भाई के नहीं जा तो बताओ। मनुष्य भाव में आना, जैन कुल का पाना, देव शास्त्र गुरु का पाना, स्वस्थ शरीर का पाना, तेरा जो कुछ भी है गृहस्थ जीवन का पाना, सब कुछ केवल एक काम के लिए था, वो ही नहीं हुआ, बाकी सब हुआ। तो तेरा ज्ञान आलसी है, तू श्रद्धा में आलसी है, हो सकता है तू अभी ध्रुव की चर्चा भी बहुत करता है लेकिन विश्वास नहीं करता। आपको देखा है, आपने देखा है कुछ प्रथमान मतलब क्या कहला रहे, कोई ऐसी कहानियां सुनती, पिक्चर नाटक वाटक पिक्चर देखी तो झट चमत्कार की श्रद्धा कर लेता है। संतोषी माता की कहानी कोई की कहानी तो देखते ऐसे ही सुनते ऐसे ही विश्वास कर लेता, ओ सही बात है, व्यंतरों से नहीं टकराई हो भाई, क्या ये भूत बेमंतर बड़ी बेकार भूत भाई, क्या एक बार हमने देखी थी, एक बार सुनी थी, झट विश्वास, और तू भगवान है, सही कह रहे, ये एक सेकंड में सम्यक दर्शन होता है, मैं भगवान हूँ, नाच ना, इसकी इज्जत की जितनी चिंता है इतनी आत्मा की लगती है, बोलो। हमें तो अभी बहुत कुछ, अब फिर वही पता नहीं बहुत दिखने लगता है, मतलब तुम्हें खोटी भाव का डर लगता है, खोटी भाव से बदनाम ना हो जाए ये श्रद्धा तो है, लेकिन खोटी भाव से मेरा बोला होगा जी श्रद्धा नहीं। बोल बेटी क्या बोला, बोलो बोलो बोलो, हाँ फिर से बोलो, बहुत महत्वपूर्ण है, बोलो पूरा बोलो, एक अधूरा वाक्य होगा, खोटी भाव से मैं बदनाम ना हो जाऊं इसका तो डर लगता है, मैंने इसकी बदनामी का तो डर लगता है, लेकिन खोटी भाव से आत्मा का बोरा हुआ इसका डर नहीं लगता, समझ गए? खोटे भाव से बदनामी का तो डर लगता है, कोई देख ना ले, खोटे काम करते हैं, कोई देख ना ले, और कोई नहीं देख लिया, कोई से कहियो मत, मैंने खोटे भाव से तुझे बदनामी का डर लगता है, लेकिन तुझे आत्मा का बोरा होता है, ये श्रद्धा नहीं, श्रद्धा तो तू श्रद्धा में आलसी है। ज्ञान को ज्ञायक रूप अनुभव करने में आलसी है, ज्ञान को ज्ञायक रूप, ज्ञान और ज्ञायक में भेद क्यों कर रहे हो, अभेद है वो, आलसी है, भेद ही भेद, भेद ही भेद, कब तक भेद? सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में सेठिका की टीका, सेठिका की टीका आचार्य देव ने कितना बढ़िया, ये दीवार की कलई है, कलई और करते 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 कितनी लंबी छोटी करत करत, हम तो पढ़ के समझ ही नहीं पाए थे, लेकिन पहली बार समझ में आई थी स्टेशन के मंदिर में, जवाहरलाल जी चला रहे थे सेठ का, हम समझ नहीं, बार बार सेठ का सेठ का सेठ का, एक घंटा में 100 बार सेठ का, सेठ का शब्द प्राकृत का, समझ गए ना, हाँ चूना तो बहुत अच्छी है उसकी, टीका बहुत अच्छी है, ये दीवार की कलाई है, कलाई की कलाई है, ऐसा उसकी टीका बहुत बड़ी है, देखना आज खोल कर सबसे मस्त टीका, उसी समय समझ में आई थी, तो सेठिका की सेठिका है, सफेदी की सफेदी है, कलाई की कलाई, हिंदी में कलाई कहते हैं उसको, फिर नहीं तो दो के वैसे क्या लाभ, सफाई सफेदी ही है, ऐसा कहकर उन्होंने कहा चेतना की चेतना है, नहीं नहीं दो नहीं है, चेतना ही है, अब तू उस पर्याय का भेद का भूल जा, सफेद गया बस, ज्ञान में ही ज्ञायक है बस। एक एक भी अलग नहीं करना, ज्ञान पर्याय अलग कर दे, अरे वो ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञायक ही है, पर्याय का वजन छोड़ जाए,
मैं ही हूं बाहर, मतलब शब्दों में तो जी सभी ऐसी लगेगी, देखो चेतना ही है, फिर चेतना है, अरे मैं ही हूं जो ये कदम लोग में सब चतुर है। अब ये तो क्या होता है, तो लॉजिक में मारी जा रही, वहां सब चतुर है सब। चलो तो ज्ञान की आलसी, श्रद्धा में आलसी, चारित्र में आलसी, सुख में आलसी, दुखी हो रहे हैं वही कुड़कुड़ा रहे अंदर अंदर, जब नहीं दुखी हो रहे, जब नहीं जब नहीं कुड़कुड़ा रहे, अरे सुखी हो जाओ ना, काय को दुख है, काय को दुख है, हमसे पूछो तो एक सेकंड में सॉल्व कर देंगे, तू प्रध्वंसा भाव को नहीं जानता इसलिए दुखी है, वर्तमान में दुखी है मन, दुख ही है, लेकिन भविष्य में खत्म तो हो जाए, काय रो रहे फिर बैठ के, वर्तमान का भविष्य में अभाव फिर रुका है रे, कि हम दुखी हैं तो बने रहने, दुखी दुख का अभाव हो जाएगा हम रह जाएंगे, क्या कह रहे दुख का, हमारे परिणाम खराब हुए हम मोक्ष में नहीं जा सकते, क्या कह रहे वर्तमान के परिणाम खराब से मोक्ष का क्या संबंध है, वर्तमान के खराब परिणाम चले जाएंगे हम तो रह जाएंगे, मोक्ष हो जाए कितना बढ़िया बता, लेकिन नहीं, चारित्र में आलसी, सुख में आलसी, शक्तिवान होकर के भी शक्तिहीनता रखता है, शक्ति में आलसी, शक्तिवान है सम्यक दर्शन में, शक्तिवान है वो मोक्ष जाने में, शक्तिवान है, तुम तो ये बताओ कौन से काम में शक्तिवान नहीं, मुनि बनने में शक्तिवान है, लेकिन ऐसे तर्क विचार करे ऐसे शक्तिहीन हो जाए तो आलसी है, आलसी है, परिभाषा दी है कसाई के भार को प्रमाद कहती है, कसाई के भार से भारी होने को प्रमाद कहती है, मोक्ष अधिकार की टीका में कसाई के भार से भारी होने को ना। अब इसकी बहुत टीका करो, कसाई के भार से भारी होने को प्रमाद कहते हैं, टीका करो इसकी, क्रोध आता है, क्रोध आते से अंधा हो जाता है, मतलब निर्णय करने में आलसी हो गए, क्रोध के काल में नहीं देख पाता कि मैं भगवान, तुम शरीर में इतने दत्त चेत हो कि जरा शरीर कोई बुराई कर दी जरा, अरे निश्चय निश्चय में रखो, आत्मा आत्मा में रखो, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमने कहा कोई को पैसा खाओ है, कहां से कहां पहुंच गए, वे कछु कह रहे हो, तुम तो आत्मा हो, इसमें पकड़े रहते तो आलसी ना होते, अब दो ही तरफ से लो, क्रोधी व्यक्ति आलसी होता है और आलसी व्यक्ति क्रोध करता है, देख लेना, जिन्हें तत्व निर्णय नहीं करना होगा वो क्रोध करेगा, जिन्हें स्वान गोप नहीं करना है वे क्रोध करेंगे, देख लो फालतू बैठ के चार लोग फालतू बैठेंगे, अभी ध्रुव की चर्चा नहीं करेंगे, जब चर्चा करेंगे उनकी सहेली खराब है, वो आजकल तो वो भी बदनाम पंडित है, वो भी महाराज भी बदनाम है, साहब ऐसे ही है भैया पंचम का है, तो जाके लाए बैठे थे हम चार पंडित, जाके लाए बैठे थे बताएं अवैध का अनुभव कैसे करना चाहिए, दृष्टांत ही देंगे हम तो और क्या करेंगे, अवैध का अनुभव कैसे करना चाहिए, जैसे पूरे विश्व में आग लगी हो तो अपन भक्षका, बस ऐसे कर सका तो कर लोगे, मां की नहीं कर पाओगे, तुम वहीं पे खड़े खड़े चिल्ला रहे कौन ने आग लगा दी, कौन ने पेट्रोल डाल दो, तो ही मर जाए, समझ में आया, फिर से क्या बोला, पूरे विश्व में आग लगी हुई है कसायों की, तुम अभी ध्रुव का अनुभव करके भाग लो तो भग लो, ऐसे करो पुरुषार्थ, बोलो जली लग गई आग तो क्या करोगे, बस भाग लो, ना हम कंप्लेंट करेंगे, ना मुलायना देंगे, ना समाज को, ना सरकार को, ना देश को, काय नहीं आई फायर ब्रिगेड, हम नहीं निकल रहे यहाँ से, फायर ब्रिगेड काय नहीं आई, हम काय को टैक्स दे रहे, गवर्नमेंट कहाँ चली गई, नगर निगम कहाँ चलोगा, हम नहीं जाना, हम इधर से हिलेंगे नहीं, मरोगे बेटा, कर्मों को दोष देने से, निमित्तों को दोष देने से, संयोग को दोष देने से, पंडित जी हम तो बिल्कुल धर्म करना चाहे थे, बस पति खराब, पत्नी खराब, बच्चे खराब, संयोग खराब और कर्म को उदय खराब, कहाँ करें हमारी किस वक्त में प्रवचन ही नहीं, नहीं तो ऐसे प्रवचन सुने तो हम तो धर्म कर ली थी, बात ही मारते रहे ना तुम, मैं प्रभु हूं, मैं भगवान हूं, सोन इसका समझ रहे, कुछ आलसी व्यक्ति क्रोध करता है जी, क्रोध करने के तरीके
जब भी कोई ऐसी बातें करता हूँ मुझे बहुत, मैंने तुमने देखा हो आज तक अपन भी व्यक्तिगत है, इतनी फुर्सत नहीं है अपने पास कि फालतू देखा तो और कौन ने किसको क्या कही, कौन ने किसके बारे में क्या कही, इसने क्या करा है, कहा लेने ने अपने, मैं भगवान हूँ आग लग गई भग लो। आलसी व्यक्ति क्रोध करता है और क्रोधी आलसी होता, दोनों साइड से जी, उसको क्या बोलते तुम, दोनों साइड से मिल जाते हैं व्याप्ति और अन्वय और व्यतिरिक, व्याप्ति अन्वय व्यतिरिक दोनों साइड से। अर्थात जब जब तुम्हें क्रोध आता है तुम पक्के में आलसी हो, क्यों, जो आलसी नहीं होते उन्हें क्रोध नहीं आता, क्या कहा, जो आलसी नहीं होते उन्हें क्रोध नहीं आता, लोक में देख लो, लोक में जिसकी नजर अपनी प्रयोजन पे होती है वो क्रोध नहीं करता, जैसे दृष्टांत ही और क्या करें, 100 करोड़ के हीरा लेके तुम रेल में जा रहे हो और तुम्हें एसी को टिकट भी नहीं मिल पाओ, हवाई जहाज को भी नहीं मिल पाओ, वो वहां को मिलो जनरल को, अब बताओ वहां पे कोई भिखारी तुमसे लड़ पड़े और पुलिस वाले वहां के डंडा मारने लगे तो आप लड़ोगे? बोलो क्या करोगे, बोलो अपने आप बताओ क्या करोगे, है तू क्या समझ रहे हो, देख 100 करोड़ रुपया है हमारे हीरा है हमारे पास, तू हमें कैसे डांट रहे हो, हम करोड़पति आदमी तुम क्या समझो, ऐसे करो। जिसके पास जितनी संपदा है उतना ही शांत है, ऐसे तेरा चैतन्य वैभव तीन लोक में अद्भुत है, क्या कहा, तेरा चैतन्य वैभव तीन लोक में अद्भुत है, 100-100 इंद्र तेरी पूजा करें, ऐसा अद्भुत वैभव है तेरे पास, इसे हल्का मत कर, सबके पास है, सबके पास होगा, मेरा अद्भुत वैभव 100 इंद्र क्यों प्रणाम करते हैं बता सकते हो, क्योंकि वैभव तो सबके पास है, संभाला है उसकी कीमत है, क्या बोला, वैभव तो सबके पास है, इससे क्या फर्क पड़ता है, संभाला है, और कोई अद्भुत होते हैं उन्हें सब 100 इंद्र प्रणाम करते हैं, धन्य है इनका संयम, इनकी शांति, इनने जरा उपयोग इधर से उधर नहीं किया, उपसर्ग आते रहे परिचय होते रहे, ये तो अपने हीरा में दृष्टि रखे, बोलो क्या करते हैं, बोलो आग लगने का दृष्टांत और 100 करोड़ का हीरा लेके जा रहे हो, बिल्कुल नहीं उलझती बातों में, नहीं उलझती खान पान में, नहीं उलझती, कोई आ जाए फ्री में खिलाने लगे तो बोलिए ऐसे यहाँ लगा देंगे, तो आलसी का अर्थ ऐसे लगाना, प्रमाद नहीं करते, अर्थात सच्ची बात, अब सिंपल सी बात कहो, वे स्वरूप में मग्न रहते हैं वे ही आलस नहीं करते, और इसीलिए स्वरूप में मग्न रहने वालों को क्रोध नहीं होता, मान नहीं होता, माया नहीं होती, लोभ नहीं होता, क्या बोल गई, स्वरूप में मग्न रहने वालों को, अब तुम झट ऐसे कर रही, अब देखो आलसी का क्या पता है, अच्छा हाँ वो तो हम भी जाने, स्वरूप में मग्न है कोई और, आलसी व्यक्ति का कहना कोई और है, हम तुमसे कह रहे हैं तुम कह रहे हो कोई और, हम तो आलसी हैं भैया क्या बताएं, हम तो गुस्सा भी करत खात पियत भी लड़त झगड़त भी, हम तो आलसी हैं, मैंने इस चर्चा सुन के भी उसने आलस्य सिद्ध कर लिया, जी को तर्क हो गया, आपने को आलसी मान लिया, हमने कब कही थी आलसी, हम तो कह रहे थे भगवान जी, ऐसे मिथ्या दृष्टि है, इन तर्कों से वो आलसी मान लिया उसने, आलसी व्यक्ति को या आलसी व्यक्ति को भैया शाम को प्रवचन हुए तो या एक ऐसे लगा देना और सभी उठ के चले गए, कहे आलसी जैसे सोचे उनने उनसे कही हुई है, तो कोई भी कर देगा वो काम, तो कोई भी कर देगा वो काम, तो कोई भी कर देगा और सभी चले गए, ये आलस, आलसी ये सोचता है ये काम मेरा नहीं है, ऐसे ही जो व्यक्ति ये सोचता है कि ध्रुव अनुभव करना मेरा काम नहीं है वो आलसी, क्या बोला, ये तो इनकी बात करी, ये तो गुरुदेव ने सबको बोली थी, ये तो ये गाथा तो सबके लिए, हमारे लिए थोड़ी है, फिर कह रहे स्वानुभव के बिना तुम खड़े कैसे हो, तुम डायलॉग बाजी कर रहे हो, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है मृतक कलेवर वत, अरे तुम डायलॉग बाजी मत करो, मृतक कलेवर फला, स्वानुभव क्यों नहीं कर रहे हो, क्या करें भाई, किस्मत में नहीं, हमारे भवितव्य में नहीं, हमारे क्रमबद्ध में नहीं, हमारे का कायम नहीं, क्या कायम नहीं, देह मिला मिला गया, बोलो शादी करने वाला व्यक्ति कहता है कि वो देखो हमारे क्रमबद्ध में नहीं है शादी हो रही है, कोई कहता है सर हमारे भवितव्य में नहीं है इसलिए हम लड्डू खा नहीं पा रहे, रखो तो है खा नहीं पा रहे, स्वामी जी क्या कहते थे, हाजिर हाजिर विद्यमान अच्छा है, मैंने इसे लाना नहीं है बनाना नहीं है रिपेयरिंग नहीं करना कच्छू नहीं करना अनुभव ही करना है बस,
जागता भगवान है अनुभव कर, वो है जाग दो जीव वो है। लेकिन आलसी नंबर जी कर, कोई और से कह रहे, हमसे नहीं कह रहे। टोटो मंजिल लिखा है पढ़ता कैसे पढ़ता है, कोई और की बात है। आलसी ऐसे सोचता कोई और की बात भाई, ए चोरी नहीं करना बेटे, नहीं हम तो नहीं कर रहे, झट कहते हम तो नहीं कर रहे, ये तो कोई और है। तुम चोरी नहीं करती, सही बताना ईमानदार जी। यदि हम आप लोगों से पूछ लें अपने अपने पांच भावों की चर्चा करके हमें बताओ कि आप क्या क्या करते हो, तो आलसी व्यक्ति झट कह दे नहीं हम कैसे नहीं करें, हमारा जीवन बिल्कुल साफ सुथरा है, पांच पाप है ही नहीं हमारे जीवन। हम हमेशा ये कहते हैं पांच पाप तो हैं विद्यमान, यदि ऐसा नहीं होता तो अणुव्रतियों को महाव्रति बनने के लिए क्यों कहते, और महाव्रतियों को भी पांच पाप ही नहीं छोड़ाए, महाव्रति को क्या छोड़ाए, और तुम कह रहे है ही नहीं। सुनो, जिनके जीवन में पांच पाप नहीं होते वे कभी नहीं कहते कि हमारे जीवन में पांच पाप नहीं है, वे यथाख्याचारी वाले होते। तुम कह रहे नहीं है इसका मतलब है क्या तुम्हारे जीवन कितने पाप है, कितना आलसी है ये भी नहीं सोचता। हमने क्या कहा था, जैसे सुन लिया हम सब पापी हैं, तो आलसी व्यक्ति सोचते अपन नहीं है, कहीं सोचने पड़ेगा भैया, अभी सोचने पड़ेगा हम पांच पाप कहाँ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। सही बता नहीं, दिन भर तुम्हें लगा थे तुम पाप कर रहे हो, लगता है ये लगता हम तो बढ़ गया बस। पंडित साहब ने बहुत दोष करता है तो छिपाता है, बताने में आलसी है, बताता है तो सूचना दे के मुक्त हो जाता है, जानकारी देकर आलसी है, आलसी समझ आलसी आलसी कितना अर्थ होगा। इसलिए आलस्य के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, हम तो आपको टीका करके इतने से बता दे, असंख्यात लोक प्रमाण बताओ भाई। आचार्यों ने दृष्टांत दिया, हम उसे सरल करके दूसरा दृष्टांत दे दें, वहां जहर खाने का दृष्टांत दिया। जो व्यक्ति जीवित रहना चाहता है वो जहर खाए कि नहीं खाए, वो खा लिया हो तो फिर क्या करे, कितनी जल्दी बताए कि मामी बतावे में आलस करे। उसने गलती से जहर खा लिया और फिर तड़फियन हुई, सो हॉस्पिटल ले गए डॉक्टर के पास, वैद्य के पास। अब जैसे सुन ना आलस, तो नमस्कार जय जिनेन्द्र, और साहब कहाँ हाल चाल है, हम तो बहुत दिनों से आपकी याद कर रहे थे, अब आज ये लेवा ले आए तो आ गए, ऐसे एक एक बात के बोलता जा रहा जी। आलसी है, पहले नंबर बोल मैंने जहर खाया, जल्दी करो डॉक्टर मैंने जहर खाया, क्या बोलना चाहिए पहला बात, कुछ भी नहीं। अब जे सब सपेट सब अच्छे, और आपके हालचाल बढ़िया हैं, कितनी फीस लोगे हमसे, धीरे धीरे बातें में टाइम खराब कर दो, ये एक समय कीमती है, एक एक समय, ये जहर फैलता जाएगा। दोष करते ही बता दो ही, भगवत की आराधना में लिखा है तत्काल ही प्रतिक्रमण कर दे, सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार की टीका में ऐसा लिखा है, जैसे ही तुझे ज्ञात हो तत्काल ही विष वृक्ष के बीज को नष्ट कर दे, अंकुर निकल आए तो वही नष्ट कर दे, और बड़ा हो गया तो अब उखाड़ दे, तो झाड़ बन गया हो अब भी उखाड़। एक एक समय में आत्मा के प्रदेश प्रदेश में व्याप्त हो रहा जहर, ऐसे लिखिए टीकाएं। छिपाने वाला तो निगोद जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, करोड़ों ग्रंथों का स्मरण, करोड़ों ग्रंथों की धारणा, करोड़ों ग्रंथों का पठन पाठन, ये एक दोष को छिपाने मात्र से नष्ट हो जाता है। क्या कह रहे, बहुत कोई लाइन बोली हमने, करोड़ों ग्रंथों का स्मरण पठन पाठन सब कुछ, अपने दोष को छिपाने मात्र से जहर हो जाता है, निगोद जाने का पात्र बन जाता है। दृष्टांत, जैसे 100 क्विंटल दूध की रबड़ी बनाई हो, 100 क्विंटल रबड़ी बन गई हो, 100 क्विंटल, और एक पिन पिन बराबर, पिन समझे सुई की नोक बराबर पोटेशियम साइनाइड दिया जाए तो क्या होगा बताओ, क्या होगा। अब आलसी है वो छुपा रहा हो तो, और ऐसे और कर दी, कोई नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, कोई दिखेगी नहीं, कोई दिखेगी नहीं, बढ़िया, अब कुछ पता नहीं लग रहा, कोई भी पता नहीं लगो, पता नहीं लगा, पूरा जहर हो गया।
अभी मरेंगे फिर क्या होगा, फिर पता नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा। लाल बहादुर शास्त्री का, लाल बहादुर शास्त्री रसिया गए थे, रसिया एक देश का राष्ट्र मान प्रधानमंत्री, दूसरे देश में जाते ऐसा भरोसा नहीं होता कि कोई गलत काम हुआ। अब वहाँ जो रसोईया था वो पाकिस्तानी था, उनकी रसोई बनाने वाला पाकिस्तान था मान मुसलमान था, उसने रसोई में जहर मिला दिया। तब से इतनी जांच पड़ताल होने लगी, तब से जांच पड़ताल होने लगी। अभी राष्ट्रपति का आया था, आस पास की होटलों के कर्मचारियों की लिस्ट ले लेते 3 महीना पहले, राष्ट्रपति के आने पहले कौन कौन है लिस्ट, नीचे और ऊपर कौन कौन काम करेंगे, पूरी बिल्डिंग में कौन काम करेगा, एक एक का चप्पा चप्पा पता लगाते हैं। अब विश्वास कर लिया, ऐसा अंधविश्वास है दोष होते ही मिटा दो, दोष होते ही गुरु के सामने जाकर उसका श्री भगवती आराधना क्या लिखा है, दोष बताने के अभिप्राय से कोई गमन करता हुआ आचार्य के पास आना चाहता था और राय में देह छूट गई तो उसका प्रतिक्रमण हो गया, उसकी आलोचना हो गई, वह निर्दोष हो गया। लेकिन बताना नहीं चाहते भी तो निगोद का रास्ता सीधा कर दिया। अरे आलस के भेद हैं सब, समझ में आ गया, मैंने तो इसलिए इतनी व्याख्या कर दी, हमें प्रमाद माने आलस लगते समझ में नहीं आता। हम तो 5 बजे उठ जाते हैं रोज, 3 बजे उठ जाते हैं, माला फेरते हैं, पूजा करते हैं, भला करते हैं। अरे तू क्रियाकांड में आलसी नहीं है, तू क्रियाकांड में आलसी नहीं है, सुन एक भी पुद्गल आलसी नहीं है, एक भी पुद्गल आलसी नहीं है, ये तो पुद्गल की क्रियाकांड में तेरा क्या हुआ इसमें, समझ गए, श्रद्धा ज्ञान चारित्र शोक वीर वो सब चढ़ना नहीं, वो भी लगा लेना, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, दोष तजने में आलसी है, प्रत्याख्यान में आलसी, पता भी है ये भाव हो रहे हैं नहीं करने चाहिए, लेकिन छोड़ें कैसे, क्या करें कैसे छोड़ें, छूटक तो है नहीं है, कोशिश तो बहुत कर रहे, भावना तो बहुत भार है, मुश्किल है, वो नहीं छूटेंगे इस भाव में तो नहीं छूटेंगे ये दोष, इतनी घुमा फिरी कर रहे हो, इतनी जी आलसी सोच रहे हैं, आलसी बहुत गहरे प्रवचन हो रहे हैं। पाप को छिपाने का अभिप्राय वाले का वचन लिखा है, जिनका अभिप्राय में पापों का पोषण है वे बहाने मारते हैं, पाप त्यागते नहीं है, पाप त्यागते नहीं है, पापों को त्याग नहीं सकते, कैसे त्यागे, कब त्यागे, परिणाम तो खराब हो ही जात, क्रिया तो हो ही जात, वचन तो हो ही जात, कहाँ करें भाई, क्या पता सभी, और एक और गंदी बात, पाप करने वाला ये सोचता है सभी तो पाप ही है, कौन है वही, आजकल पंचम काल है सभी तो पाप कर रहे, जा कहो हम तो उनसे कम पाप कर रहे, ले आलसी जी और सोचता है, आलसी के लक्षण और हो गया, पाप देखो तो पता लग जाए पंडित जी, जा कहो हम तो जैसे ऐसी बात हो गई, सुनना ध्यान से, पाप के लिए शब्द आया पंख, पाप पंख में डूबे जीव, पाप पंख, ऐसी बात हो गई जैसे कोई व्यक्ति समझ लो 100 व्यक्ति लैट्रिन की गड्ढा में गिर पड़े, 1 व्यक्ति से कही तुम निकल आओ, तुम तो ऊपर ही ऊपर हो, नहीं नहीं हम तो बहुत ऊपर हैं जी, तो देखो कितने डूबे, इतने तक डूबे, तो जैसे क्या फायदा हो इस कहने से, क्या फायदा हो बेते तक डूबे, बेते तक डूबे, बेते तक डूबे, तो नहीं जैसे फायदा क्या होगा, तुम निकल आएगा, दूसरे पापों में डूबे हैं ये विचारने का हमें अवसर नहीं है, ये उद्यमी व्यक्ति कहता है, बहाने नहीं देता, दूसरों की आलोचना नहीं करता, अपने पास इतना समय नहीं है आलोचना करें, आत्मार्थी कहता है मेरे पास काम करने का बहुत काम बाकी है, भेद विज्ञान का बहुत काम बाकी है, स्वरूप प्रमणता का बहुत काम बाकी है, व्यवहार से इसे कहेंगे पाप त्याग का मुझे बहुत काम बाकी है, यथाख्यात का बहुत बड़ा काम है मेरे पास। अभी लोग यही कहते हैं ब्रह्मचारी करत का है, ब्रह्मचर्य लेने वाले या घर वाले अनुमति इसलिए नहीं देते, तुम करो एक अज्ञा पहले बताओ, हम कहा बता देंगे क्या करेंगे, काम क्या है, अरे सीमा जी पूछो काम एक आत्मार्थी नो बीजो नहीं मन रोग, हमारे पास दूसरा काम नहीं,
आगम में साहित्य में लिखा है, जो आत्मकल्याण का उस काम छोड़कर अन्य कामों में लगते, माने शुभ भाव में शुभ क्रियाओं में लगते हैं, वे समय काटते हैं और कर्म बांधते हैं। किसी तरह जिंदगी काटते हैं, टाइम काटते हैं, और क्या करें, इतनी बड़ी जिंदगी, टाइम तो कटत नहीं है। तो वे पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम आदि करके टाइम काटते हैं, कर्म नहीं काटते, कर्म नहीं काटते, कर्म बांधते हैं। बहुत कुछ बात कही हमने, जरा फिर से सोचना अच्छी तरह से। धन है जो अपना समय नहीं काटते, कर्म काटते। क्या बोला हमने, तुम कह रहे पूजा नहीं करी, अब जो पूजा करते ना बे, ऐसे कह हम तो एक घंटा पूजा करे, तुम पांच ही मिनट निपटा जाते। अरे पांच मिनट नहीं निपटा जाते, फिर कर्म काटते, कर्म काटते। अब ये कर्म काटना दिखता नहीं है तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हम कम पूजा करते हैं, तुम ज्यादा पूजा करते हो, हम ज्यादा करते हैं, तुम कम करते हो। शुभ भाव शुभ क्रियाएं समय काटती हैं, आयु का समय पूरा कर रहे हैं। जिस जिस प्रकार से समय पूरा करती हैं, कर्म नहीं काटते। हम उल्टा नहीं कह रहे, ध्यान रखना, बिल्कुल ऊपर की बात चल रही, नीचे की बात नहीं चल रही। हम पापों में जाने की नहीं कह रहे, हम तो उन्हें हत भागी कह रहे हैं, हत जो शुभ भाव और शुभ क्रिया में अपना समय लगा रहे हैं। अब ये उपदेश कहीं और नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलता ये उपदेश, बेतजा सोच रहे पूरे पापों में डूबे तो यही में लगा रहे, पूजा पाठ करत रहो, व्रत उपवास करत रहो, तीर्थ यात्रा करत रहो, बस यही करत रहो, सब क्या करें, उन्हें तो मिलेगा भी नहीं, उपदेश ही नहीं मिलेगा। हत भागी कौन कहेगा, कौन कहेगा, 24 घंटे पूजा पाठ व्रत उपवास में लगे हुए को कौन पापी कहेगा। अरे लेकिन तू कर्म काट नहीं रहा, तू आयु काट रहा है, समय काट रहा है। बढ़िया दृष्टांत दे, दुकान पर आजीविका करने वाला व्यक्ति अशुभ की तो चर्चा करता ही नहीं, लेकिन शुभ की चर्चा भी करने में समय नहीं होता। कभी देखा व्यस्त दुकानों को, व्यस्त दुकानों को देखा है कभी, वहाँ देखो उनके कोई कोई हलवाई बहुत फेमस होती है, कोई कोई हलवाई उनके लाइन लगती है, हम तो देख के दंग रह गए। इंदौर में सरवटी बस स्टैंड पे वो कचौरी की दुकान पे इतनी लंबी लाइन, हम तो देख के ताजुब, इतनी लंबी लाइन। तो हम की जगह किराने की दुकान है, बहुत सरकारी का कहलाती वाली राशन की दुकान है ना, कि नहीं बोले इसकी कचौरी ऐसी है 100 ग्राहक खड़े रहेंगे और अभी तल रही बात, तला रही केवल अभी, और निकलेगी और दूसरी तल के नहीं आ पाएगी, इससे पहले पूरी खत्म हो जाएगी। सरपटी बस स्टैंड है लंबी लाइन। समझ में आया कुछ, जैसे अब उस दुकानदार को देखो, उस दुकानदार को तुम पहुंच जाओ तो उसके रिश्तेदार आ जाए तो क्या करेगा बता, कोई आ जाए तो पुड़िया पैक चटनी फुर्सत ही नहीं भाई, तुमसे जय जनन करवेगी। जैसे आजीविका में व्यस्त आदमी अशुभ की तो चर्चा ही नहीं है, शुभ भाव भी नहीं करता, मैं शुभ चर्चा भी नहीं करता, बेकरी में मग, ऐसे शुद्ध उपयोग में मग्न रहने वाले ही उद्यमी हैं, बाकी सब आलसी है। समझ गए, तज प्रमाद, तज प्रमाद। तो क्या करें पंडित जी, पाप परिणाम नहीं रोके, पाप क्रियाएं नहीं रोके तो हम क्या करें, क्या करें, स्वयं उपाय ना कर सके तो योग्य गुरु की शरण ले। नहीं कर पा रहे ना, कोई बात नहीं, तुमने तो ये मान ली, वो तो जब छूटने हुए छूट जाए, गुणस्थान बढ़ेगा तब छूट जे, नहीं तुम्हारे लिए नहीं लिखी जी बात, जब गुणस्थान बढ़ेंगे तब परिणाम छूटेंगे, जब गुणस्थान बढ़ेंगे तब क्रिया सुधरेगी, ये नहीं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी लोग, क्रमबद्ध पर्याय और कर्तत्व आदि की जो चर्चा है, जो अकर्तत्व आदि की चर्चा है, वो केवल टेंशन पर्याय की टेंशन से बचाने के लिए है, पुरुषार्थ के निषेध के लिए नहीं, प्रमादी होने के लिए नहीं। फिर से कह रही, जो तुम इस ठंडक को बहुत अच्छा मानते हो कि हम चिंता नहीं कर रहे, हम चिंता नहीं कर रहे, हम चिंता नहीं कर रहे, रोटी खा के क्या करोगे, 2 घंटा सो गए, बिल्कुल शांति से सो गए, पंडित जी टेंशन नहीं करी, जाके लाज नहीं गई थी क्रमबद्ध पर्याय,
भवितव्य काल लब्धि होना जागराज नहीं कही थी। बिल्कुल ऐसे रहो तैयार जैसे आग लग गई हो तो बता वो दो घंटा सो गए कैसे सो गए तस 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 प्रमाद नहीं नहीं चाहे कुछ हो जाए सो ही नहीं। सर्व अनुकूलता मिलते ही पापों का प्रमाद छाता है। ध्यान रखना प्रमादी के जीवन में पाप होते हैं। पाप कर भी फुर्सत कब मिलती बता दे। घर में आग लगी हो तब पाप नहीं करती जी। कोई गिर जाए मर जाए असाता बीत नहीं जाए एक्सीडेंट हो जाए खुद ही चोट लग जाए तब कौन से पाप करते। विश्व के समस्त पाप केवल प्रमादी जीव करता है। प्रमादी माने अपना काम करने का आलसी। क्यों रात को 12 बजे देखो कर रहे होगे जो कुछ फाइल जो कुछ कर रहे होगे बट हम कितनी बार नींद के झोंका है और कितने लगे होगे हमें 2-3 दिन एकदम कंटिन्यू रात से दिन से कहा दिख रहा है ना सब बताओ नींद कहाँ नहीं है और नींद ही नहीं आई उस समय 5 पाप में से कौन कौन से पाप करे बताओ कौन कौन से पाप करे क्यों नहीं करी। वो धर्म देखो उनका काम चल रहे हो जाए बेटे हो जानते हो उनको तो काम निपटाने हो तो करेंगे भी सब। मैं तो आज इसीलिए सोच रहा था कि नहीं आया देर से इसीलिए आया कि यहाँ ये काम कर रहे तो अपन कहीं बैठ जाए कर लेंगे बेटे कर लेंगे। आप अपना काम खुद नहीं कर सकते तो दूसरों से कह दो कम से कम। तुम अपना इलाज नहीं कर पा रहे सर्दी को पहले तो सर्दी को इलाज खुद ही करे फिर नहीं हो तो जितनी जल्दी हो वैद्य की शरण लेता है। ऐसे दोस्त स्वावलंबन से नहीं मिटा पाता मान लो नहीं मिटा पाए ध्यान से सुनना अपने दोस्त नहीं मिटा पा रहा तो प्रमादी आदमी क्या करता किसी को बताता भी नहीं है कोई कहा गए हो और क्रमबद्ध तत्समय की योग्यता जान क्या क्या नाम ले लिया उसने तो जिनमाणी में ये प्रमाद पोषण करने के लिए नहीं कही थी। स्वरूप संवेदन के लिए कही थी निश्चिंत होने के लिए कही थी पर्याय के कर्तव्य बाहर उतारने के लिए कही थी पर्याय को खींचकर लाने के निषेध के लिए कही थी। जल्दी जल्दी बोल गए हम पर्याय को खींच के नहीं ले आओगे तुम लेकिन यदि तेरे से पाप नहीं छूटता है तो गुरु होते काहे के लाए तुम अपने आप से सर्दी का इलाज नहीं कर पा रहे तो फिर वैद्य होते काहे के लाए। फिर उन्हें लगा दे जी क्या कहेंगे बहुत लिखा है सब वो प्रतिक्रमण वगैरह के दोष लिखे ना जो उसमें जिन्हें सिद्धांत कोष में पढ़े हमने तो कलेक्शन उसमें पढ़ो कितने लिखा है। अब फिर से समझ लो एक तो हमने दे दिया बिस्क का दृष्टान जहर खाने का दूसरा समझ लो पेट्रोल डल गया और आग लग रही है बताओ सत्य बोलने में कितनी देर लगाओगे। नहीं नहीं पानी से जल रहे नहीं नहीं पेट्रोल नहीं डालो पेट्रोल नहीं डालो हमने कोई कहा के वो आत्महत्या कर रहे थे कहा कहेंगे लोग नहीं नहीं हमें पानी डाल रहा था एक बाल्टी पानी डालो तुम कहा झूठ बोल रहे थे जितनी देर झूठ बोलोगे उतनी देर खुद ही तो जल रहे हो। फिर कह रही इसको आत्मा की चिंता नहीं है आत्मा की चिंता नहीं है इसकी इज्जत की चिंता है। अभी वो सब उसमें लिखा है जो अभी लिख रहे थे इसकी कह रहे इसकी इज्जत रह जाए बस इसकी काय की इज्जत जो नाम अभी भस्म हो जाएगा जो चाम अभी भस्म हो जाएगा बाकी इज्जत बनाए रखना चाहे कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा अरे कोई कछु कहे क्या कहा था अभी यार क्रोध मान माया लोभ ये प्रमादी लोगों के काम है। यदि आप क्रोध मान माया लोभ में है तो प्रमाद करेंगे और प्रमादी व्यक्ति इनमें पड़ जाएगा। और 4 कसाय को व्यक्त करने के तरीके 5 पाप है। क्या बोला हमने 4 कसाय को व्यक्त करने के तरीके 5 पाप हैं और 5 पाप का सड़ा हुआ रूप सप्त व्यसन। जो अपना काम नहीं करेंगे वो सप्त व्यसन करेंगे 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 कर ही रहे मन में भी भावना है बाहर मोबाइल देखे जी तो खूब मजा कर रहे कौन मजा कर रही वो तुम्हें जलती हुई नहीं दिख रहे। मुझे आज तक लोग कहते फिल्मों में बड़ा मजा आ रहा है वो नाच रही ऐसे गंदे दृश्य दे रही और मुझे जल रहे
पाप आग में जल रही सकल जगत के जीव क्या लिखा है? पाप आग में जल रही सकल जगत के जीव। तुम्हें तुम्हें मजा लगे जी, मजा कर रहे हीरो के मजा है। देखो कितनी हीरोइन मिल रही, हीरोइन की बड़ी मजा है। देखो देखो तुम्हें मजा लग रहा है, तुम्हें ये नहीं लग रहा है वो भगवान आत्मा था वो कहाँ जल करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? अरे सुन, ध्यान रखना, ध्यान ही रखना बिल्कुल। जब भी कोई तुम्हें पापों में आनंद करते हुए दिखता है तत्काल निदान बनता है, उसे तुम प्राप्त करते हो। जल्दी बोल के निदान, पापों में आनंद करते हुए तुम्हें लग रहा है ना, खरबूजे की खुशबू तुम्हें लग रही है ना, मर के वहीं पहुंच गए। कैसे सुंदर बाल है इस स्त्री की, कैसे सुंदर बाल है, जुआ बन गए मुनिराज, मर के जुआ बन गया उसमें। अरे जी स्त्री कितनी भागशाली, वो बेच जाती वो कितनी भागशाली की, पांच पांच आदमी आगे पीछे घूम रहे, खातिरदारी देखो इसकी, क्या रूप है, ऐसा रूप अब खुद का तो था नहीं, ऐसा रूप तो झट लग रहा है, ऐसा रूप देखो पांच पांच आदमी। वो दुर्गंधा नाम की कन्या वो ही मर के इतना पुण्य करा तो आरिका बन के, आरिका बन के इतना पुण्य किया लेकिन स्त्रीलिंग नहीं छेदा, द्रौपदी बन गई और वहां का सुखी रही, द्रौपदी के जीवन में सुखी रही। वह क्या इतने से रूप में तुमने सुंदरता मान ली, जो बढ़िया लग रहा ऐसा रूप हुआ था, हम तो ऐसे हैं कि कारी कूटे बस, अरे हम भगवान है कारी कूटे कहा है? ये बिल्कुल ताकत लगाने की चीजें हैं, ध्यान रखना अच्छी तरह से समझो। वेद विज्ञान में ताकत लगाने वाला ही आलस्य से रहित है। वेद विज्ञान नहीं करोगे तो दुखी होगे, निदान बांधोगे, ये करोगे वो करोगे, सब लिखा है। मुनिराज कितने बड़ी तपस्या की थी, कितनी बढ़िया, और निदान बांध लिए तो बलभद्र का जीव बन गया, बलभद्र बन गए, कहाँ से कहाँ चले गए उल्टे सीधे, निदान बन गए। नहीं भैया, फिर कह रही मैं भगवान हूं, मैं ध्रुव हूं, इससे नीचे सोचो मत। इसलिए मैं कहता हूं लिखो, तुमने मोबाइल देख लिया, टीवी देख ली, कैसे देख लो, कोई बात नहीं लिखो, तो भाई से बहुत मजा आओ, बहुत मजा आओ, कहाँ मजा आओ, पांच पाप कर रहे थे भी, पेट्रोल में जल रहे थे, तुम्हें मजा आया, सब बच्चों की रहती है बचपन से, हीरो बन जाऊं तो मजा आ जाए, हीरोइन बन जाए तो मजा आ जाए, ये निदान बंद है और हमें बीस से कम नहीं दिखा, तो यह सही भैया निदान ना बन जाए, भूल के अभी हमें नहीं जाने भैया, बिल्कुल समझना जी। ये जो ऐसी चर्चा बहुत है, रूप मत वगैरह जो है ना, ज्ञान मत रूप मत, ये निदान की हेतु है, इसलिए इनका निषेध किया है। इनसे अच्छे ज्ञानी मत बनो, आत्मज्ञानी बनो, इनसे ज्यादा छोपसम मत कर लो, इनसे बढ़िया सेली मत कर लो, ये मत, ये तुम्हारा सारा आत्मज्ञान खा जाएंगे। 22 परिचय की चर्चा में अज्ञान परिचय को जीतना लिखा है, अज्ञान परिचय को, सत्कार पुरस्कार परिचय को जीतना लिखा है। दूसरों का सत्कार पुरस्कार बहुत हो रहा है और इन मुनिराज कोई प्रवचन नहीं करा रहा जो आत्मज्ञानी है, सभी बड़े प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। कल्पना करो उनके प्रवचन नहीं हुए जिंदगी भर, वो भी बहुत बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि आत्मज्ञानी थे, उन्होंने प्रवचन नहीं कराया उनसे, तो लोग तो यही कहते थे आचार्य को पता भी है कि इतने अच्छे ज्ञानी है, इनसे तो करात नहीं, और इनसे करवात ना है ना, ऐसे जाना था नहीं कुछ, इतनी ढेरों गलतियां करत प्रवचन में, इनसे नहीं करवा रहे जी निर्दोष, तो उनसे कहा प्रवचन तो आपके होना चाहिए, इनके तो होना ही नहीं चाहिए। सुनने कहा उनने जिनके प्रवचन नहीं हो रहे थे, मेरे आचार्य करुणा के निधान है इसलिए मेरे से प्रवचन नहीं कराते। उन्हें जिन शासन प्रभावना की पढ़ी जे नहीं कहा, या नहीं पढ़ी जे भी नहीं कहा, तो जिन शासन प्रभावना की नहीं पढ़ी, मैंने बैठा दिया नए नए लोगों ने, हमसे नहीं कहा। हाँ अरे हमारे गुरु करुणा निधान, वे जानते हैं मैं आत्मज्ञानी हूँ, स्वरूप में मग्न होता हूँ, तो मेरा एक दिन भी एक घंटा भी प्रवचन में खराब नहीं करवाते, और मैं स्वरूप में निमग्न रहता हूँ, मेरे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, गुण श्रेणी निर्जरा में अल्पकाल में मोक्ष जा रहा हूँ, तो सब उनसे काय प्रवचन करा रहे, उन्हें भी तो आत्मा में लगा देना चाहिए, उनसे ही नहीं करा प्रवचन, यदि ऐसी करुणा है तो। पात्र जीव को ही योग्य मार्ग दिया जाता है, क्या कहा, पात्र जीव को योग्य मार्ग, वो अभी इतने पात्र नहीं है, उनसे प्रवचन करा के उन्हें सिखा दी,
उन पे भी करुणा कर रहे, क्या करुणा कर रहे, प्रवचन करेंगे तो गलती निकलेगी, प्रवचन करेंगे तो तैयारी करेंगे। देखा कई बार विद्वानों को प्रवचन कराओ तो तैयारी करे, प्रवचन नहीं कराओ तो कभी तैयारी नहीं करेंगे। अभी तुम्हारे प्रवचन रख दें समय फला फला, अब भाई जाके ग्रंथ खोलने लगोगे, तैयारी करोगे, आज बोलने हैं भाई, आज बोलने, आज प्रवचन करने, आज प्रवचन। ग्रंथों में क्या लिखा है पता है? अरे तुम आत्मकल्याण नहीं कर पाओ, तुम तैयारी करके बोलते हो, ठीक है निचली भूमिका में तैयारी भी होती कोई बात नहीं, लेकिन आत्मकल्याण के पात्र नहीं माना उसको, वो तो हलवाई जैसा है, तुमने एक किलो मिठाई मांगी से बना दी माने, लेकिन खुद ने नहीं खाई, खुद ने नहीं खाई। आज तुम्हें आज लग रहा हो कि आज महावीर जयंती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, तो मैंने 10 किलो मिठाई बना ली और पूरी मैंने दी, खुद ने नहीं खाई। पंडित साहब ने इतना बढ़िया कहा, आहार दान ही अनुदिष्ट नहीं होता है, हाँ ज्ञान दान भी अनुदिष्ट ही होता है, केवल आहार दान में ही अतिथि संविभाग नहीं होता है, ज्ञान दान में भी अतिथि संविभाग होता है। देखो हम अतिथि संविभाग करते कि नहीं करते, हम कहानी लिखते हैं, अच्छी बात आती है, दे जाती है, देख नहीं, देखो देखो कितनी अच्छी, देखो एक पढ़ते भी हैं, लिखते भी जाते हैं, हम आनंद लेते हैं, पर तुम्हें भी आनंद अरे क्या कहें भैया, स्वरूप में संतुष्ट जीव ही संतोष में निमित्त होंगे। बिरुला रहे तुम्हें जिन्हें तुम ये सबको देख देख के हम भी प्रवचनकार बन जाए, हम पढ़े आए, हम लिखिए आए, हम डिग्री ले लें, भला कर लें। अरे तुम सम्यक दर्शन करके निकले हो, स्वामी भोग के लाए निकले हो, जिसके बिना सारी जिंदगी बेकार है। अनंत बार क्या कैसे ऐसी धड़ाके मारे हैं, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख मुनिव्रत धार अनंत बार, क्या है काय के लिए कही है? अच्छे से समझो, क्रियाओं का तो हट करता है आलसी, और निर्णय करने का स्वानुभव का उद्यम नहीं करता, आलसी नंबर वन है। क्या कह रही, क्रियाओं में तो चौकस रहना चाहता, बिल्कुल हम क्रिया करेंगे, झट इतने भावुक लोग हैं, जरा क्रिया का प्रेरणा करो झट तत्पर और झट खुश हो जाते, हम बहुत बड़े वीर सेनानी, कहा वीर सेनानी कहा धर्म कर रहे थे, एक 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 सम्यक दर्शन मतलब मैं भगवान हूँ बस, इसमें खुश होने की कोशिश करो, मैं भगवान हूँ तृप्त होने की कोशिश करो, मैं भगवान हूँ इसी का तर्क, इसी की चर्चा, इसी की वार्ता, हम इससे नीचे नहीं सुनने। भोपाल में हम इतनी तकलीफ होने लगी थी, बहुत तकलीफ होने लगी, प्रवचन सुनने मन ही नहीं लगता था, क्या करें, एक घंटा लांग लपेट होते 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 इस पर बात ही नहीं आती, हमें बड़ी तकलीफ होती होती, जब क्या करें, और तो संयोग से फिर ये लोग मिल गए तो हमारी सुबह के साथ जाँच प्रारंभ हो गई, मैंने 4-6 महीने के बाद मिल गए, ये समझ लो जुलाई अगस्त में मिल गए थे उस समय 85 में, 5-6 महीने के बाद संयोग से तो हमारी स्वाध्याय शुरू हो गई। मंदिर की स्वाध्याय मैंने ऐसा लगता था, इतनी अच्छी अच्छी गाथाएं आती थी उसमें, इतनी बढ़िया गाथा, जो आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर देखता है वो वहाँ घोर, अब इतनी अच्छी गाथा, हम बड़े उल्लास से गए, आज तक हम अमृत बरसे हो, लेकिन 1 मिनट तो उन्होंने अच्छी बात करी हुई थी सब, फिर 1 सेकंड बाद ही बात पलट ली, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इतनी पीड़ा हुई थी उस दिन, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये तो हुआ मेरा एक पक्ष, अब दूसरा पक्ष तो देखो, कहाँ मैं भगवान हूँ, कहाँ मेरा जीवन, और पूरा 1 घंटा कहाँ मेरे परिणाम, कहाँ मेरी पर्याय, कहाँ मेरे आदत, अनादि के संस्कार, अनादि की वासना, पूजा में तक उपयोग नहीं ठहरता, माला में नहीं ठहरता, कहाँ 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 घूमूंगा, वहाँ के पूरे 1 घंटा प्रवचन होगा, फिर आखिरी में कुछ भी हो लेकिन आचार्य ने क्या कहा है देख तो सही, तू भगवान मैं पूरे टायर की हवा निकाल दी, फिर कह रहे गाड़ी दौड़ाओ ये बड़ा मुश्किल पड़ने लगा था, सच में बहुत मुश्किल लगा, समझ गए, हम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं आलसी है, ये ऐसी बात हो गई भैया, शादी कब है करोगे भैया, शादी करो जल्दी, तो कहने वाला तो ऐसे ही बोलेगा ना, शादी जल्दी करो, तो क्या करा, दौड़ के जल्दी से घोड़ा बैठ जा, क्या करा बता,
बैंड बाज ले दौड़ जाते, भैया जी कह रहे सब जने कह रहे जल्दी शादी करो भैया, तो बैंड बाज जल्दी आ, एक घोड़ा जा रहा से बैठ गए, मतलब जल्दी शादी करो का क्या अर्थ है? जल्दी शादी करने मतलब जल्दी निर्णय करो, कहाँ कौन सी कन्या पसंद है, कौन सी कन्या तुम्हारी संस्कृति के अनुकूल है, तुम्हारी भावना के अनुकूल है, ऐसा सोचो अच्छी तरह से निर्णय करो, जल्दी शादी करना मुझे थोड़ी बाजी बजवा लो मुझे थोड़ी, समझ गए? हम तो कहेंगे बेटा फालतू बातें मत करो, क्रियाओं में लग पले, खोटी क्रिया मत करो, अच्छी क्रिया करो, अच्छी क्रिया करो के पीछे बहुत है, कितना बढ़िया लिखा है, सच कह रहे दौलत राम जी की रचना अद्भुत है, छह डाला गया, इतनी सुंदर कोमल पंक्ति है, कोमल इतनी प्यारी पंक्ति है, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृण चारित लीजे, कितनी प्यारी लाइन एकदम, जेठ हमने कही एक पानी छाना तो छाने लगे, मंदिर जा मंदिर, फिर भूलेगा किसी को, सम्यक ज्ञानी होए, सम्यक ज्ञान के बिना स्वानुभव के बिना परिणाम गिरते ही हैं, क्रियाएं गिरती ही हैं, बंध बढ़ता ही है, धीरे धीरे बोल गया जल्दी जल्दी होता ही है, हमें कोई अचंभा नहीं है, प्रतिज्ञा का क्या अर्थ होता है? ज्ञायक के प्रति तो पहले निष्ठ हो, प्रतिज्ञा तो तब होगी, ज्ञायक भाव से पहले ज्ञायक के प्रति ज्ञा ज्ञा जान, यही अर्थ है, ज्ञायक को जानता नहीं है और ज्ञायक होकर सबको जानता नहीं है, समझ गए? तो प्रतिज्ञा तो भैया टूटेगी, टूटेगी का जोड़ी कब की टूटेगी, आप ही कल्पना करता मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, गिर पड़ता गिरा ही, गिर क्या पड़ता गिरा ही हुआ, समझ लेना अच्छी तरह से भैया, तो ये प्रमाद, प्रमाद माने आलस, इसका अर्थ समझना, खूब विचार करना, पूरा तो हम कर ही नहीं सकते, पूरा तो तुम्हें समझना पड़ेगा, लेकिन फिर कह रहे निर्णय में उद्यम करो, भेद विज्ञान में, सम्यक ज्ञान में, स्वानुभव में उद्यम करो, इसके बिना तुम प्रसन्न कैसे हो जाती हो, फिर इंद्रिय ज्ञान से संतुष्ट हो जाती हो, इंद्रिय ज्ञान से संतुष्ट होना आत्महत्या है, इंद्रिय ज्ञान से क्रियाओं में संतुष्ट होना, हाँ बोलो आत्महत्या है, जिसके लिए करना था ये सब कुछ इसलिए प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान, पंडित साहब इसको कैसे बोलते हैं, प्रथम में प्रथम तू अपने को आत्मा जान, बहुत अच्छी मस्त लाइन में बोलो, ये तो तुम्हें कैसे मजा नहीं दे रहे होंगे, मैं भगवान हूँ जिस प्रकार इसमें आनंद करना सीखो, बेतर्क बे विचार बे सब क्रियाओं में संतुष्ट मत हो, ओम नमः शिवाय।